नमस्ते प्रणाम, मैं आपका भाई सिंगर धर्मेंद्र कुमार। आप लोग देख रहे थे इंदल हरण उर्फ बल बोकारो गढ़ की लड़ाई। तो आप लोगों ने अभी तक भाग दूसरा देखे हैं, तो लीजिए आपके स्क्रीन पे हाजिर है भाग तीसरा। अरे भाई उदय जन भाई देवा काल निरंजन जाल क्यों फैलाए। अच्छा माया दे शक्ति ने सृष्टि की रचाई है। तुम्हें कहना है कि भाई उदय चले काल निरंजन जाल फैलाए। हाँ माया दे शक्ति सृष्टि को रचना की। हाँ जोड़ी रचना तो सही बात है कि माँ आदि शक्ति की, लेकिन माँ आदि शक्ति में लेकिन है। क्या लेकिन है भाई उदय चले? क्या लेकिन है ये सुनो। सुनाओ भागन रहलई हो जोड़ी मैया आदि शक्ति के। अच्छा माया दे शक्ति को भाग नहीं थी, यानी संतान होने वाला कोई जगह नहीं। एक आना है ना सृष्टि को रचना कैसे हुआ भाई उदय जन? सृष्टि कैसे माया दे शक्ति ने इस संसार में रची है ये सुन लो। सुना चले माँ आदि शक्ति की सचमुख में भग नहीं था, लेकिन माँ आदि शक्ति की काली अंगुली में अमृत के घड़िया बसती थी उसमें। अच्छा और वो से काली अंगुली से माँ आदि शक्ति ने क्या की है जो सुन लो। सुनो आज नखुन से चिरका हो जोड़िया आहो दिल भाग के बनाए। भाई देवा आहो नखुन से चिरके हो जोड़ी माता जी भाग के बनाए। अच्छा जी
जय चले भाई देवा माया अति शक्ति ले लकड़ी के चीर कर भग को बनाए उस भग में माया अति शक्ति तीन बूंद अमृत छुलाए अच्छा जिससे जल में ब्रह्मा विष्णु महेश और उसी से संसार रचा गया है भाई देचन भाई देवा तुम्हें कहना बिल्कुल सत्य है कहना बिल्कुल सत्य हुआ भैया सरदार जी जो भी हमने भाई देवा से सवाल किया सवाल के जवाब सही सही बतलाया है क्या मिल गया सवाल हाँ एक प्रश्न आपसे कहने के लिए चाहता हूँ क्या हमसे हाँ कौन ऐसा प्रश्न है सुन लीजिए राज के चेहरे पर बैठे बैठे आज दिल नहीं लग रहा है इसलिए मैं आज अपने अखाड़े पर जाने के लिए चाहता हूँ भैया सरदार जी भाई उदय जल की कहना है कि नित दिन मैं अपने अखाड़ा पर जाता था आज ढेर दिन से मैं अपने अखाड़ा नहीं गया हूँ आज मैं अपने अखाड़ा पर जाकर कष्ट मना लेता तो बहुत सुंदर की बात होता भाई तो सोच रहे हैं कि भाई उधर के साथ मैं भी चले जाऊं तो बहुत सुंदर की बात होगा क्या है ऐसा बात हाँ भैया सरदार जी चलो जाओ सरदार जी जाने से पहले एक बात और कह देता हूँ जब तक मैं अपने अखाड़े से लौट करके राज बंगले पर नहीं आऊंगा जब तक ड्यूटी अच्छे ढंग से लगा दीजिएगा सरदार जी को प्रणाम करता हूँ जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, खुशी रहो, आनंद रहो, बहादुर। Thank you.
उठाए ले अरे वो सखी सहेलिया अरे अरे ओ मोर गोरिया क्या बात है आ चलना है हम लोग कहां कहां नहीं जानती हो नहीं अरे हरिद्वार में मिल लगा हां 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 चलिए 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 चलना चाहिए आए की बम बम कि बम बम बोल रहा है काशी कि बम बम बोल रहा है काशी दिल फिदाऊ सफर है हरिद्वार में मेला लगा है अच्छा हम लोग को चलना है चलिए चल तो चला हेलो ओहो कितना सुंदर लोग अपने बोल बम को नारा लगाते हुए कहां को उड़ जा रहे हैं जो मुझे मालूम नहीं इसी बात को आज मैं अपने पिताजी से पूछता हूं कि ये सुन यात्री लोग कितना रोते जा रहे हैं और कितना हंसते जा रहे हैं ये बातों को मैं अपना पिताजी से पूछता हूं पिताजी बेटा हिंडाल पिताश्री आज यदि आपको आज्ञा हो अनुमति हो इजाजत हो तो मैं कुछ कहने के लिए चाहता हूं ओहो बेटा हिंडाल कौन ऐसी बात देते हैं इसी राज बंगले पे सोच रखा सुनाओ कौन ऐसा बात सोचा हूं पिताजी जी मैं कहकर सुना देता हूं सुन लीजिए ठीक है सुनाओ बी
सब जतरी पिताजी आज कहना में जाला एह में बतलाइए केशवन यात्री लोग कितना रोते जा रहे हैं और कितना हंसते जा रहे हैं कहां को और जा रहे हैं पिताजी जो बतलाइए बेटा इंदल ये जो बोल बाऊ का नारा लगाते हुए सब लोग जा रहे हैं कितने हंसते जा रहे हैं और कितने सब लोग बैठे हुए हैं हां पिताजी क्या इसका बारे में तेरे पता जानने के लिए चाहते हो मैं चाहता हूं अगर बतला देते हैं तो बहुत खुशी की बात रहता नहीं बेटा इंदल सुन लो सुनाइए बेटा सुन ले तानी डाला हो बबुआ ने पिताजी अरे सब बात से बेटा तोरा क्या रे मतलब है अच्छा अरे बाबूआ सुन ले आनी डाल हो बाबूआ ने क्या हो ये सब बतिया से बाबू तोरा रे क्या रे मतलब है इंदल पिताश्री ए राज महबीय में इस समय बात से तुम्हें क्या जरूरी है क्या मतलब है तुम खाओ पियो मौज करो अभी राज महबीय में पढ़ने के लिए जाओ जाओ पिताजी मैं एक बात कहता हूँ मेरी बातों को गौर लगाकर सुनिए